तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही इजी और टेस्टी चिकन स्टार्टर। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन फिंगर्स। इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को एज अ पार्टी स्नैक भी सर्व कर सकते हो। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। चिकन का ब्रेस्ट पार्ट ले लिया है हमने। उसको एक चॉपर में ऐड करके इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसका फाइन पेस्ट बना लिया हमने। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसका फाइन पेस्ट बनाकर इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसमें हमने नमक ऐड कर लिया है स्वाद अनुसार। इसमें हम चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे एक टीस्पून के करीब। इसमें हम आधा टीस्पून ओरिगैनो ऐड कर लेंगे। इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा तीखापन के लिए। इसमें हम गरम मसाला ऐड कर लेंगे आधा टीस्पून। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसमें हम एक छोटे प्याज को बारीक काट कर इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने मोजरेला चीज़ ले लिया एक चौथाई कप। इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। बारीक कटी हुई धनिया ले लेना है थोड़ा सा। इसमें हम आधा कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्स ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको एक घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। एक घंटे के बाद हम थोड़ा सा चिकन मिक्सचर हाथों के बीच में लेकर इसको शेप कर लेंगे। इसका नाम चिकन फिंगर्स है तो हम इसको फिंगर्स की तरह शेप कर लेंगे। इसको हम एक घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर लेंगे। उसके बाद हम दो अंडों में नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा ऐड कर लिया है मैंने इसमें। तो सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम चिकन फिंगर्स को इसमें कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। आप पैन को भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हो इस रेसिपी के लिए। को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करके इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज करके रख सकते हो। अभी हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है हमने और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर चिकन फिंगर्स को इसमें फ्राई कर लेंगे। कुछ देर के बाद हम इसको पलटा देंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल देंगे तेल से और इसको सर्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर। बाय बाय।